नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। लांजी, मंगलवार को सिविल अस्पताल लांजी में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के लिए राज्य आयुष मंत्री रामकिशोर काबरे, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, कलेक्टर दीपक आर एवं एसपी अभिषेक तिवारी लांजी पहुंचे। इनके द्वारा अस्पताल पहुंचकर कोरोना मरीजों के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के कंट्रोल रूम पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से संक्रमित मरीजों को देखा गया और मरीजों के लिए बनाई गई भोजन की व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम रविंद्र परमार, एसडीओपी दुर्गेश आरमो, जनपद सीईओ रंजीत सिंह ताराम, वीएमओ डॉक्टर प्रदीप गीडाम, पूर्व जिला अध्यक्ष सदस्य हीरा चंद्र आसटकर, भाजपा मंडल अध्यक्ष आलोक चौरसिया, गौरव वेंस आदि उपस्थित रहे। अस्पताल निरीक्षण के उपरांत सभी के द्वारा कोरोना संक्रमित ग्राम डोंगरगांव पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, लेकिन अंतिम में रेस्ट हाउस पहुंचकर सभी अधिकारियों के साथ आयुष मंत्री रामकिशोर काबरे ने चर्चा की, जहां सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता से निभाने की भी बात कही गई। साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित भी किया गया। आज आपके द्वारा लांजी सिविल अस्पताल का जायजा किया गया, क्या कुछ पाया गया यहाँ पर, कुछ खामियाँ कुछ कमियाँ? देखिए, लांजी सिविल अस्पताल तो पूरे बालाघाट जिले में एक अलग पहचान बनाया है। हमारे जिलाध्यक्ष जी भटेरे जी और उनकी पूरी टीम, पूरा प्रशासनिक अधिकारियों ने वो काम कर दिखाया लांजी में जो अन्य जगह नहीं हो पाया। यहाँ के समाज सेवी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अपने पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारियों ने समाज को इकट्ठा किया और समाज को इकट्ठा करके यहाँ की व्यवस्था बनाया। तो लांजी तो निश्चित रूप से बधाई के, हमारे सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैंने आज यहाँ पर आकर देखा, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी सुविधा है। क्या हो सकता था, ये सब व्यवस्था आप लोगों ने किया है। मैं भी सेंटर को देखा, भोजन की व्यवस्था को देखा और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे भटेरे साहब हैं, इन लोगों के साथ में पूरी व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में क्या अच्छा सुधार हो सकता है वो सारा का सारा हमने किया है। कोविड सेंटर में और सुचारू रूप से क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं? देखिए, बेडों की व्यवस्था पर्याप्त व्यवस्था है, हमारी पर्याप्त व्यवस्था है। अब हमारा जो प्लान है वो हम जो हमारे गांव में सर्दी खांसी है उसको और अच्छा करने के लिए अब हम नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं। हम सारा संसाधन यहां पर सिविल अस्पताल के व्यवस्था कर दिया है। अब हमारे प्राथमिक उपचार हमारे गांव में हो जाए उसके लिए हम किल कोरोना अभियान के तहत हमारे गांव-गांव में सारी व्यवस्था, सारी सुविधाएँ हम कराने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज मैंने फील्ड को भी देखा है, जहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जो चाहते हैं कि अगर किसी को लक्षण है तो उनको वही मेडिसिन उपलब्ध हो जाए, उसको भी आज मैंने फील्ड में देखा है। और अभी अधिकारियों के साथ में मेरी बैठक है, क्या अच्छा अपन कर सकते हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। लांजी में सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो है स्टाफ की कमी नज़र आ रही है। देखिए सारी सुविधाएँ हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं जितना हो सकता। देखिए, अचानक से इस कोविड का प्रभाव आया और हम जब सब समझते हैं इस चीज़ को कि अगर हमारे घर में अचानक से अगर कोई मेहमान ज़्यादा आ जाए तो हमारी जो व्यवस्था है उससे थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। पर मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के सभी लोगों को कि पर्याप्त व्यवस्था, उसके बावजूद भी पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर कराए हैं। यहाँ पे सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ तरह के हिस्सा ले रही है, तो प्रशासन से भी तो इसमें मदद। देखिए, शासन प्रशासन भी मदद करेगा, लेकिन समाज के लोग पहली प्राथमिकता में बाहर आके काम किया है तो समाज के लोगों को बधाई, और जो शासन प्रशासन के तरफ से हो सकता है सारी सुविधाएं कर रहे हैं। सर, अभी 18 से 44 वर्ष तक के वैक्सीनेशन कार्यक्रम चालू करते हैं, युवाओं को संदेश देने को? देखिए, मैं चाहता हूं कि अभी 18 से 44 साल के उम्र के जितने भी नौजवानों को वैक्सीन लगना है उनका पंजीयन हुआ है, उनको मैसेज आएगा और उनको बुलाया जाएगा 2 गज की दूरी या सारा प्रोटोकॉल के तहत उनको वैक्सीन लगाए। मैं तो सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि इस समय में हम लोगों को वैक्सीन लगाने की आवश्यकता है, वैक्सीन लगाना चाहिए। जो लोगों ने भ्रम फैला के रखे हैं कि वैक्सीन लगाने से किसी प्रकार से, मैं स्वयं वैक्सीन लगाया हूँ, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि वैक्सीन का गलत असर होता है।
देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सभी लोग लगा रहे हैं। मैं तो सभी लोगों से अपील करता हूँ कि लोगों के भ्रम में ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और जो वैक्सीन है वो लगाएं। लांजी से खबर समय जगत के लिए रूपेश राब्ती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।